भरतनाट्यम करने वाले हैं. ओके, हम लोग आइंदौन से आए हैं. भरत यात्रा का महत्व क्या है? एट द सेम टाइम पूरी जगन्नाथ धाम में तो होता ही है. अभी विश्व भर में इस्कॉन ने इस रथ यात्रा को मना रहे हैं. तो साथ में आपको मिलेगा राइस है एंड पुलाव वगैरह, चटनी है, एक आलू की सब्जी है और मीठे में शीरा. हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग टुडे. तो आज अपनी यात्रा निकल पड़ी है, वापस निकल पड़े हैं एम्स्टर्डम की तरफ. और आज ओकेजन है जो यहाँ पे नैदरलैंड्स में भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, यानी जो नैदरलैंड या फिर एम्स्टर्डम की कह सकते हैं सबसे फेमस जो यात्रा होती है वो इस्कॉन टेम्पल से यहाँ पे स्टार्ट होती है और वो ख़त्म होती है डैम स्क्वायर पे. तो आज हमारा इरादा है डैम स्क्वायर जाने का. तो चलिए भगवान के चरणों में हम भी प्रणाम करने और उनके चरण स्पर्श करने चलते हैं और इस यात्रा का फुल आनंद लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि एम्स्टर्डम में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे जो है होती है. चलिए अभी खड़े हैं एम्स्टर्डम साउथ स्टेशन पे एज यूजुअल और यहाँ से जाते हैं डैम स्क्वायर मेट्रो पकड़ के एम्स्टर्डम साउथ. साउथ पे हमेशा ही भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कनेक्शन हैं, बहुत सारे ट्रांसफर्स हैं. वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है टेढ़ी टेढ़ी सी, वो है नेदरलैंड्स की सबसे फेमस इको फ्रेंडली बिल्डिंग है, यानी जिसको कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग बोलते हैं वो ये है. तो बस पहुंच गए अभी मेट्रो में, मेट्रो पकड़ लिए. बहुत क्राउड है, आई थिंक रथ यात्रा के लिए भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो उसको रथ यात्रा को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं. तो पहुँच गए हैं हम एम्स्टर्डम स्क्वायर पे और चारों तरफ जो है लोग वेट कर रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का. और जितने भी लोग मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं ये सब वेट कर रहे हैं रथ यात्रा कब यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि वो स्टार्ट होगी इस्कॉन टेम्पल एम्स्टर्डम से और वहाँ से चल के जो है यहाँ पे आने वाली है. तो दिखाते हैं कि अलग अलग कॉर्नर में क्या क्या चल रहा है. देखिए जो है स्टेज लगाया गया है जहाँ पे जो है पूरे अपने धार्मिक जो है सॉन्ग्स जो है चल रहे हैं. उसके बाद बहुत सारे शर्ट्स लगाए हैं, Q&A का वो भी है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स. देखिए बहुत ब्यूटीफुल लेडीज हमें गर्ल्स मिली हैं एक्चुअली जो भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में जो है परफॉर्म करने वाले हैं. तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या करने वाले हैं और ये कब से कर रहे हैं. तो हम लोग भरतनाट्यम करने वाले हैं. ओके, हम लोग आइंदौन से आए हैं. सो वी आर फ्रॉम कला भवन भरतनाट्यम. ओके, सो कब से आप कर रहे हैं ये. सो एक्चुअली हम लोग बचपन से कर रहे हैं. इधर मूव होने के बाद हम लोग क्लास नाइन से फिर से प्रैक्टिस एंड सीखना स्टार्ट किया. तो ये जो है एक काउंटर है, एक स्टॉल है, वेजिटेरियन फ्री मील. तो यहाँ से आप जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं. नेक्स्ट रोल है जिसमें बहुत सारी अपनी धार्मिक जो है बुक्स लगाई गई हैं. भगवद गीता है काफी सारी. यात्रा का तो सब इंतजार कर ही रहे हैं. इंतजार करते करते अगर आपको भूख लग जाए प्रसाद तो अभी जो है स्टार्ट नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूशन उसका, बट पे जो है ऑप्शन है, पे करके भी आप जो है खा सकते हो. समोसा खा सकते हैं, वेजिटेबल पैटी है एक्चुअली, और उसके बाद जो है फ्रूट केक है. अपार्ट फ्रॉम दैट मटर है, अगर आपको वेट करते करते भूख लग गई है प्रसाद तो अभी बाद में मिलेगा, आप यहाँ आ सकते हैं और आपके घर पे खा सकते हैं. हरे कृष्णा. सो दिस टाइम अगेन वी हैव अ रथ यात्रा यहाँ पे हमारे एम्स्टर्डम में डैम स्क्वायर में. सो अभी रथ वहाँ से टेम्पल से निकला है, यहाँ पे कुछ देर में पहुँचेगा. तो हर साल की तरह हर बार हमारे यहाँ पे फ्री कोर्स ऑफ मील दिया जाएगा. जो कोई भी इस इवेंट के लिए आएगा यहाँ से, कोई भी पॉसिबल, वेदर इट इज़ बिलोंगिंग टू क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिंदू, सो एवरीबडी इज़ वेलकम ओवर हेयर. दे कैन एन्जॉय द फ्री वेगन मील. तो उसके साथ साथ कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी रहेंगे जो यहाँ पे फैमिली लोग हैं वो आके देख सकते हैं कि रथ यात्रा का महत्व क्या है. एट द सेम टाइम वी विल डू द मंत्रा मेडिटेशन जिससे लोगों को पता लगे कि हिंदुइज्म के बारे में क्या है, कृष्णा के बारे में क्या है. हम अगर आप देखेंगे तो अभी हम प्रसाद रेडी रख रहे हैं जो ऑफरिंग्स किया जाएगा द मोमेंट हमारे यहाँ पे रथ पहुँचेंगे. तो हम लोग ये ऑफरिंग्स भगवान को देंगे, जो कोई भी देना चाहे ऑफरिंग्स. अच्छा, तो डैम स्क्वायर आए और पिजन्स ना दिखाई दें ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता. और आज वीकेंड है तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये देखिए क्या कोशिश कर रहे हैं. और मेरे बैग पे भी आप देख रहे होंगे वो दो बच्चे जो हैं पिजन्स के साथ खेल रहे हैं. शी इज़ हैप्पी. डैम स्क्वायर पे हमेशा आते हैं और श्री राधे कृष्ण का जो पीछे जो है भजन चल रहा है वो सुन के एक अलग ही फीलिंग और एक अलग ही दिल को सुकून होता है.
तो वैसा जो है फील हो रहा है और सही में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप सुन पाएंगे तो पीछे सुनिए, आप ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? हाँ, हम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। ओके, कैसा लग रहा है ये भगवान जी का जो सॉन्ग चल रहा है और एम्स्टर्डम स्क्वायर पे? बहुत अच्छा। इसको तो हम जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट वी वेटिंग यहाँ पे रथ यात्रा होगा। यात्रा जैसा हम जानते हैं उसका महत्व कितना ज़्यादा है रथ यात्रा का, बट एटलीस्ट एम्स्टर्डम शहर में रह के इंडिया का फील कर सकते हैं आप, जैसे कि वहीं के उड़ीसा के हैं तो हम लोग बहुत ही कनेक्टेड है उस सब चीज़ों से। और इतना अच्छा लग रहा है कि चार चार स्टॉल लगे हैं, गीता का वो सब बुक्स रखा हुआ है, तो वी आर स्प्रेडिंग द स्पिरिचुअलिटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड। This is my first year. But I've been learning dance for 3 years. हरियाणा से जो है भगवान के भक्त एक्चुअली हर जगह होते हैं, तो हमें ये हरियाणा से मिले हैं और पूछे हमसे कि ये कैसे महसूस कर रहे हैं भगवान जी के साथ। भजन यहाँ चल रहे हैं एम्स्टर्डम डैम स्क्वायर पे, तो आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब यहाँ आके ना ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडियन वाला पूरा माहौल है और मतलब लोगों से मिल के ना मजा आ रहा है एकदम से। बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया में फ्रॉम इंडिया मजा कीर्तन ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो आपको ये फील हो रहा है कि आप इंडिया से बाहर नहीं है। प्लीज मेक अ बिट ऑफ स्पेस, वी हैव अ पहाड़ डे परफॉर्मेंस हियर। वेरी वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट अलदिरी गेम्स ऑफ इट। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। 1 2 3 4 जस्ट की यात्रा का आगमन हुआ है, मतलब यात्रा यहाँ पे जो रथ यात्रा हुआ है पीछे जो रथ है वो दिखाई दे रहा है और अभी जो इनिशियल रिचुअल्स करते हैं वो काफी अच्छा हुआ, एकदम काफी एनर्जेटिक काफी अच्छा लगा। भीड़ देखिए आप, मतलब यहाँ से टाइम स्क्वायर अभी भरा पड़ा है, मतलब किसने सोचा होगा कि इंडिया से बाहर इतना बड़ा मृत्यु का मेला लगेगा वो भी डैम्स कर सेंटर ऑफ एम्स्टर्डम में। देखिए वापस अपने फ्रेंड मिले हैं अरुण जो कि बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट जगह पे मिलते हैं, तो बताइए सर क्या चल रहा है यहाँ पे आज? सबसे पहले इतना कहूंगा जय जगन्नाथ। आज इस्कॉन एम्स्टर्डम ने इस डैम स्क्वायर जो कि एम्स्टर्डम की बहुत ही फेमस जगह है वहाँ पे रथ यात्रा रखा है। रथ यात्रा हम सारे विश्व के लिए और हम हिंदुओं के लिए बहुत बहुत बड़ा त्यौहार है। ये वो उत्सव है जहाँ जगन्नाथ देव बलभद्र देव और देवी सुभद्रा एक साथ सवारी पर निकलते हैं, रथ यात्रा पर निकलते हैं। ये पूरी जगन्नाथ धाम में तो होता ही है, अभी विश्व भर में इस्कॉन ने इस रथ यात्रा को मना रहे हैं। रथ यात्रा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बहुत पवित्र है क्योंकि अद्वैत महाप्रभु के वंश की मेरी माँ है और सद्गुरु विजय कृष्ण गोस्वामी जी की परिवार की मेरी माँ है, तो बचपन से हमेशा जब भी हम छुट्टियों में जाते हैं हम चाहते हैं कि जगन्नाथ धाम में जाके माथा टेक के आएँ। और आज एम्स्टर्डम में इस्कॉन ने इतना बढ़िया रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया, हम सब गदगद हो गए हैं। सिर्फ इतना ही कहेंगे जय जगन्नाथ, जय बलभद्र देव, जय माँ सुभद्रा, नमस्कार। और ये देखिए मैं छोटे से डिवोटी मिले एकदम नाइस ड्रेस में। ये क्या है जो प्रसाद है? प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब ढक्कन खुल चुके हैं, तो चलिए फटाफट प्रसाद लेते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद भी जिसके साथ हमें मिले।
Let's go. We have rice. Just recording. ये प्रसाद है, ये देखिए प्लेट में राइस है, राइस है एंड एक सब्जी है, आलू मटर मिक्स वेज टाइप से, और मीठे में है आपको शीरा हलवा और साथ में हलवा है। ये देखिए प्रसाद में आपको मिलेगा राइस है, शायद पुलाव वगैरह से चटनी है, एक आलू की सब्जी है और मीठे में शीरा है। ये है प्रसाद। हरे कृष्णा। चलो मेन प्रसाद को अभी लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके साथ ही पानी मिल रहा है, ठंडा पानी है, वो देखते हैं। दोनों अलग अलग है, मेरा ऑरेंज टाइप से है, ये स्ट्रॉबेरी है मेरा। ऑरेंज है मेरा, रसना जैसा टेस्ट आता था ना, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा स्ट्रॉबेरी है। Dispel this grief, even if I win a prosperous kingdom. Krishna, I refuse to fight. I must let go of my cherished Gandiva bow. Tell me what to do in this war. No one will die. No one will die. You are speaking from another level of understanding. तो दोस्तों ये थी एम्स्टर्डम में फेमस जो और नेदरलैंड की सबसे फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि एक और इन्फॉर्मेशन मिली हमें, ये इसका 61वां साल है, यानी 61 ईयर से यहाँ पे कंटिन्यूस हर साल यात्रा हो रही है। और लकी हम कि हमें देखने को मिला आज, और इस बार थोड़ा सा रथ भी खींचने को मिला, तो काफी मजा आया इस रथ यात्रा में जाके। प्रसाद है वो भी काफी अच्छा है, और काफी स्टॉल्स है, परफॉर्मेंसेज है, और सबसे बड़ी बात कि भगवान का जो रथ है, यानी तीनों जो भगवान है वो भी रथ पे है। होप आपको ये व्लॉग बहुत बहुत पसंद आया, क्योंकि हमारा मन तो खुश हो गया है आके। तो भगवान जी हम सभी की मनोकामना जो है पूरी करें और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये आज का व्लॉग, होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन सो फार, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें कि नेदरलैंड्स में कैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, टिल देन सी ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ।